हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता, मैं आज आपके लिए खीस की रेसिपी लेके आई हूँ जो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। और खीस हम उस दूध का बनाते हैं जो गाय के डिलीवरी के बाद 2 या 3 दिन तक यह फटता है, उसकी खीस बनाई जाती है और इसकी मिठाई काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आज हम बनाएंगे उसी गाय के दूध से मिल्क केक जो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 लीटर दूध लिया था, उसी गाय का लिया था। और दूध को जैसे हमने गर्म किया ना, तो दूध फट चुका था, उसका पानी अलग हो गया। और मैंने हाई फ्लेम पर इसे के पानी को अच्छे से सुखा लिया। और देखिए, ये काफ़ी हद तक इसका पानी सूख चुका है, इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है। और इसे हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसे लगातार चलाते रहना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। और इलायची का पाउडर डालने के बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा चीनी ज़्यादा लगता है, पर आप जैसा मीठा पसंद करते हो आप उसी हिसाब से डालें। तो हमने 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद यह थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी पानी रिलीज करता है। इसे हमें अच्छे से इस तरह से कलछी से इसे दबा दबा कर इस तरह से मथते हुए और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसे हम चलाते रहना है ताकि ये नीचे से ना लगे नहीं। तो चीनी भी अच्छे से घुल चुका है, तो थोड़ा सा इस तरह से आलू मैश करने वाला से मैशर से हम इस तरह से इसे मैश भी करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि ये अच्छे से एक जैसा बराबर हो जाए। और काफ़ी टेस्टी इसकी मिठाई बनकर तैयार होती है। इसका आप पनीर भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ इससे इसकी रेसिपी बनकर तैयार होती है। और देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो थोड़ा बहुत इसका पानी है ना, इसे अच्छे से हमें और सुखा लेना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, इसका पानी काफ़ी हद तक अब सूख चुका है और इसमें देखिए काफ़ी झाग सा आ रहा है। इस तरह से इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि नीचे ना लगने लगेगा। और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहना है। और अब थोड़ा सा हम मैशर से इसे मैश लेते हैं इस तरह से। और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है अच्छे से, और इसका पानी भी पूरा सूख चुका है अच्छे से। अब हम इस लास्ट में अब गैस का फ्लेम को अब बंद कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं। और इसमें हम 1 चम्मच ना लास्ट में घी ऐड करेंगे। घी डालने से ना मिठाई का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो घी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम को आप बंद करके इसे नीचे उतार लेते हैं। तो हमने एक ट्रे लिया है, ट्रे में घी या तेल से इसे ग्रीस कर ले। और हमने जो मावा तैयार किया है अब इसमें ऐड करेंगे। तो चारों तरफ से डाल के इसे हम फैला देंगे। और आप इसका कलर देखिए, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया, ब्राउन सा। तो आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हो, पेड़ा के शेप में या मिल्क केक, कुछ भी बना सकते हो। काफ़ी टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार रहती है। पूरा इसमें मिल्क केक का आपका स्वाद आएगा। देखिए, हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब फ्रिज में इसे 2 से 3 घंटा के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के बाद। 2 से 3 घंटा हो चुके हैं, तब देखिए इसमें हम कट कर लेते हैं। और काफ़ी टेस्टी बना है, अच्छे से ये सेट भी हो चुका है। देखिए, हमारी टेस्टी सी मिल्क केक बनकर तैयार है। देखिए, आपको हम सामने से दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा बना है। तो इस तरह से आप भी ट्राई ज़रूर करें। गाय के दूसरे या तीसरे दिन की जो दूध होती है उससे आप बहुत अच्छा मिल्क केक बना सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में, फैमिली ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।